Assalamu alaikum, I hope you all are well. So today we are going to start our series of computer for class first year. तो आज जो है वो हमने अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि आपके पास है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अच्छा, अब क्या होगा कि ड्यूरिंग द होल कोर्स, ड्यूरिंग द होल सिलेबस मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या आपके MCQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपने कहाँ से MCQs करने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने कैसे देखना है और लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब पूरी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम इंशाल्लाह जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कवर करते जाएंगे. ठीक है, बिफोर दिस इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस एज वेल. तो चलें हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखें, सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं कि बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आज आपको पता है कि आज के दौर में, आज के टाइम में इतनी साइंस ने, इतनी टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस कर लिया है कि जो हमारी पूरी वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है. ठीक है, तो ग्लोबल विलेज बन गई है, इसका क्या मतलब है कि जो रिसर्च, जो बिज़नेस दुनिया के एक हिस्से में हो रहा है वो मतलब टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बाकी सारी जगहों पे जो है वो इन्फॉर्मेशन को हम सेंड कर सकते हैं, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके अलावा वक्त गुजरने के साथ साथ एजुकेशन ने, तालीम, मेडिसिन, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल फिनोमेना, स्पोर्ट्स, रिसर्च, बिजनेस, इन सब एरियाज़ ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया. ठीक है, तो इन सब एरियाज़ की प्रोग्रेस में जो मेन रोल है, जो मेन फंक्शनैलिटी है वो किसकी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके पास क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनीथिंग, कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं, कोई नंबर्स हैं, कोई डिजिट्स हैं, तो उनको उसको कहते हैं कि हम आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है. जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है आपके क्लास के स्टूडेंट्स की कि उनके मैथ्स सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, तो ये भी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है. इसी तरह अगर आपके पास एक पेज है, एक मतलब एक लिस्ट है आपके पास जिसमें आपके घर वाल, मतलब जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके नेम्स हैं और आगे उनके CNIC नंबर्स हैं, तो ये भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन की अगर एक और एग्जांपल देखें तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो कॉन्टेक्ट नंबर्स सेव होते हैं वो भी इन्फॉर्मेशन. तो बेसिकली क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग, क्या होता है कि कंप्यूटर जो है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी टास्क, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी फंक्शनैलिटी करता है उसको हम कहते हैं कि ये डेटा को प्रोसेस कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि वो कह रहे हैं कि कुछ साल पहले जो है कि जो भी डेटा की प्रोसेसिंग होती थी वो किसी ख़ास एरिया में होती थी, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ ग्लोबल विलेज बन गया है, तो अब दुनिया के एक हिस्से से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक इजीली जो है वो कम्युनिकेट करवाई जा सकती है. अब आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट मर्जेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स कैरिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियो, etc. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द ग्लोबल विलेज. कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटिंग पावर को, यानी कि प्रोसेसिंग पावर को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाती है. किसके ज़रिए से? कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए से, मीडियम्स, चैनल्स के ज़रिए से. अब ये चैनल आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल भी हो सकती हैं, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, एयर, एटमोसफेयर, ये भी हो सकता है. तो अब जो इन्फॉर्मेशन सेंड होनी है वो कोई टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है, इसी तरह इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियो, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो हैं आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कवर कर रही होती है. ठीक है, उसके बाद आपके पास अब यहाँ पे देखें कि एक और टर्म यूज़ हुआ है, टेक्नोलॉजी इनेबल्स द हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू अ फिनोमेना नोन एज डिजिटल कन्वर्जेंस. कि सिर्फ एक एरिया को कवर नहीं कर रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हेट्रोजीनियस कहते हैं डिफरेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को एक पॉइंट पे ला के इकट्ठा कर रही है कौन, टेक्नोलॉजी. इस चीज़ को हम कहते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल कन्वर्जेंस है. ठीक है, डिजिटल कन्वर्जेंस जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजीज को मर्ज करती है, इकट्ठा करती है. अब नेक्स्ट आपके पास आ गया मॉडर्न सिनेरियो. देखिए, अब क्या है कि बेसिकली अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज के दौर में, आज के टाइम में क्या इम्पेक्ट है, क्या उसका है पूरा सिस्टम, अगर हम उसको देखें तो एक सिंगल टेक्नोलॉजी से अब बहुत ज़्यादा वास्ट सारा कुछ हो चुका है. जैसे अब मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया,
उसके अलावा फ़ाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स मशीन्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, तो ये सारा जो है वो मॉडर्न सिनेरियोज़ हैं किसके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि एक बात और ये, अगर कोई आपसे पूछे कि लाइक क्या क्या मॉडर्न सिनेरियोज़ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो सबसे पहले AI, जैसे आजकल चैट GPT और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट आपके पास है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की एप्लीकेशंस, या ऑनलाइन कोई शॉपिंग ऐप्स हैं तो वो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह ई कॉमर्स, एम कॉमर्स जो मोबाइल कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो मोबाइल या इंटरनेट के ज़रिए जो है वो बिज़नेस ऑनलाइन किया जाता है, दराज वगैरह। उसके अलावा कंप्यूटर एनिमेशन, जिस तरह एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह होती हैं। इसी तरह मल्टीमीडिया में आपके पास वीडियो, ऑडियो, MP3, MP4, ये सारा कुछ आ जाता है। हाइपर मीडिया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये सारे मॉडर्न सिनेरियोज़ हैं, मॉडर्न यूजेजेज़ हैं किसके, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट। देखें, जो भी चीज़ हम अपनी नॉर्मल ह्यूमन आई से देख सकते हैं ना, जिसको टच भी कर सकते हैं, जो टेंजिबल होती है, उसको हम कहते हैं कि हार्डवेयर है। और जिस चीज़ को हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते वो आपके पास है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले आपने करनी है कंप्यूटर की डेफिनेशन, कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है, उसकी सेटिंग इस तरह की जा सकती है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करे, यानी कि इनपुट को एक्सेप्ट करे, और फिर उसको प्रोसेस करे, यानी कि प्रोसेस इट, यानी कि उस पर कोई फंक्शनैलिटी करे, कोई प्रोसेसिंग करे, और फिर उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। ना सिर्फ इतना बल्कि फिर उसको किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी कर दे। क्यों? ताकि लेटर रीयूज, यानी कि बाद में आने वाले किसी टाइम के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उसको फिर से यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है कि वो इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि आपके पास जो है इस डेफिनेशन में चार वर्ड्स यूज हुए हैं, एक मशीन, एक प्रोग्राम, एक इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, अब किसकी डेफिनेशन में ये चारों टर्म्स यूज़ हुए हैं? कंप्यूटर की डेफिनेशन में। तो अब यहाँ पे अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन बेसिकली हार्डवेयर है और ये जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको बताऊँ कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को एक्सेप्ट करती हैं। क्यों डेटा को एक्सेप्ट करती हैं? ताकि कंप्यूटर उसको यूज़ कर सके और उसको प्रोसेस कर सके, प्रोसेसिंग यूनिट में भेज के उसको प्रोसेस कर सके, उस पर काम कर सके। अब जब प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसर में CPU यही होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो प्रोसेसर में जब इनपुट डिवाइसेस डेटा को भेज देती हैं तो उसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, यानी कि उसमें सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो उस इनपुट को, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो CPU है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को किसी लॉजिकल सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने चाय बनानी है तो सबसे पहले क्या लॉजिक होगी, कि हम दूध में पत्ती चीनी डाल के उसको चूल्हे पे रखें, या पहले ये होगा कि आपने पहले उस चूल्हे को ऑन करना है। तो बेसिकली एक सीक्वेंस है कि आपने पहले जो है वो मैचस्टिक से जो है वो ऑन करना है, फिर उसके बाद कोई पॉट रखना है उसके ऊपर, फिर उसमें दूध डालना है, मतलब जो भी चाय का एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो प्रोसेसर होता है वो भी बेसिकली यही करता है कि एक सीक्वेंस के ज़रिए से पूरे इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जब प्रोसेसर इनपुट डिवाइस से डेटा को लेके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा तो आउटपुट डिवाइसेस उस प्रोसेस्ड डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को शो करवाएंगी। ठीक है, आखिर में आपके पास आ गया स्टोरेज। स्टोरेज में बेसिकली क्या होता है कि लाइक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, CDs वगैरह आपने देखी भी होंगी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर से बाहर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब CD है, उसको हम इंसर्ट करते हैं जब, तो कंप्यूटर में वो डेटा चला जाता है। वैसे हम CD, जैसे जब आप फॉर एग्जांपल किसी मोबाइल शॉप पे परचेज़ करने गए हैं CD, तो उस वक्त तो आपके कंप्यूटर में जो घर पे पड़ा हुआ है कंप्यूटर, या जो ऑफिस में है उसमें, उस वक्त तो नहीं है ना CD वाला डेटा। जब आप CD इंसर्ट कर लेंगे CD ड्राइव में, ठीक है, तो उस वक्त जो है फिर उसमें जो है वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो कंप्यूटर के आउटसाइड भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती होती है।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ये अब शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास होती हैं इनपुट डिवाइसेस, जो डेटा को इनपुट की फॉर्म में लेती हैं, जैसे कीबोर्ड्स, माउस, माइक्रोफोन। देखें, कीबोर्ड से हम डेटा, मतलब जो भी की प्रेस करते हैं, जो भी बटन प्रेस करते हैं, तो वो लिखा जाता है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो इससे हम डेटा को देते हैं कंप्यूटर को, तो ये इनपुट डिवाइस है। इसी तरह माउस का जो कर्सर होता है, उससे हम इंफॉर्मेशन अंदर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोफोन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अपनी साउंड, अपनी वॉइस जो है वो इनपुट दे रही हूँ कंप्यूटर को, लैपटॉप को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो डेटा को शो करवाती हैं, ठीक है। अब जैसे प्रिंटर से हमें प्रिंट किया हुआ मिल जाता है पेज, इसी तरह स्पीकर से हमें आवाज़ आती है, तो वो आउटपुट की फॉर्म में आ रही होती है। और मॉनिटर स्क्रीन जो होती है, वो हमें डिस्प्ले शो करती है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। फिर उसके बाद एक मेन मेमोरी होती है, जिसमें रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों मेन मेमोरी के टाइप्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे टर्मिनल्स हो गए, कोई टच स्क्रीन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंडरी मेमोरी, जो ऊपर हम देख के आए हैं, हार्ड डिस्क, सीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टर्स। इंटरकनेक्टर्स वही चैनल्स होते हैं जिनमें से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा सेंड कर सकते हैं, जैसे केबल हो गई, बसेस और पोर्ट्स। इनको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस वो होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मोडेम, ब्रिज, राउटर, स्विच, गेटवेज, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन का, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कुछ भी समझ ना आया हो, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।